आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था पूरा का पूरा, जहां पर हमने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पेरिसाइक्लिक सीखा। फिर हमने ये सीखा कि आखिरकार पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री बाकी केमिस्ट्री से अलग क्यों होती है। उसके बाद हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की हमें पहले से क्या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री और एमओटी अप्रोच के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने पूरे की पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू लिया। उस ओवरव्यू में हमने क्या सीखा, सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, और चौथी जो रिएक्शन होती है वो होती है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। देखो, अगर मैं नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो चारों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आईआईटी जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो आप सभी लोग फोर्थ पॉइंट को भूल जाओ। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन तक ही पढ़ना है। अब हम आज जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह अपनी पहली रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस पहली रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। मैंने आपको पिछली क्लास में ही थोड़ा सा ओवरव्यू हर एक रिएक्शन के बारे में दिया था, तो एक बार हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में क्या क्या समझा था। हम लोगों ने बात की कि जब भी आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है, सबसे पहले आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचानना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचानना है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानते ही आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। अगर इस एग्जांपल को मैं समझाऊं तो इस एग्जांपल को मैं इस तरीके से ट्राइन मोइटी से समझा सकता हूं। ये आपके पास इस तरीके से ट्राइन मोइटी है, और अगर इस ट्राइन मोइटी के सामने मैं हीट या फिर लाइट लेके आ जाता हूं, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, और ये डबल बॉन्ड यहां। मतलब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन है। अल्टरनेट 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 बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन चलता रहेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जहां पर मैं ब्रेक वाली बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाऊंगा, जहां पर मैं ब्रेक वाली बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाऊंगा, और जहां पर मैं फॉर्म वाली बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाऊंगा, बस। और हम लोगों ने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं या फिर जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, वह एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाती हैं, और फाइनली लास्ट में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। बोलिए, क्या ये बात आपको एकदम अच्छे समझ में आ रही है। और यहाँ पर फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें की थी, जिसमें सबसे पहली बात क्या थी, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो ये कैसी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, पहली बात तो हमने की थी। दूसरी बात हमने क्या की थी कि यहाँ पर वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट सिस्टम है। और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कितनी पाई बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीन पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितनी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर टू पाई बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप गिनो, इस सब्सट्रेट से इस प्रोडक्ट में अगर आप गिनोगे तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड कम है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड कम है तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है। तो लास्ट में हम लोगों ने जो फाइनली एक बात रखी थी, वो बात ये थी, एट द कॉस्ट ऑफ वन पाई बॉन्ड वन न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। बोलिए, क्या आपको बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अगर आपको बात एकदम अच्छे समझ में आ चुकी है, अब आखिरकार हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ना क्या क्या है, तो एक बार हम लोग इसको भी थोड़ा सा अच्छे से क्लासिफाई करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमें किस किस पहलू पर बातें करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमें सबसे पहले बात करनी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। हम लोग सबसे पहले यही देखना शुरू करेंगे कि आखिरकार कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनको क्लासिफाई करना सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर FMO अप्रोच,
फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। और अगर मैं एफएमओ अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अरे एफएमओ अप्रोच ही तो आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझाएगा। तो हम एफएमओ अप्रोच के बारे में समझेंगे। एफएमओ का फुल फॉर्म होता है फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या होते हैं, कैसे होंगे, ये सब हम बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तीसरी बात जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कि आखिरकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट के बनने पर गवर्न करेगा, ये सब बातों को सीखेंगे। और एक लास्ट बात और हमारे पास होती है जहां पर हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इन स्ट्रेंड रिंग सिस्टम की बात करेंगे, जहां पर हम स्ट्रेंड रिंग सिस्टम जो होंगे उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो टोटल ये चार बातें हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़नी है। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में आपको टोटल चार बातों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हेडिंग जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो हम एक बार क्लासिफाई करते हैं, एक बार देखते हैं, मतलब कुल मिला के हम सबस्ट्रेट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमारे पास जो सबसे पहला होता है वो होता है पॉलीइंस। पॉलीइंस का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो और वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो। और पॉलीइंस में भी हमारे पास क्या पार्ट होंगे, सबसे पहले ए साइक्लिक ओपन चेन वाले, उसके बाद साइक्लिक जहां पर आपके पास एक रिंग में होंगे, और लास्ट में एक्सोसाइक्लिक। अब एक्सोसाइक्लिक आप लोगों ने पहले एक्सो वर्ड सुना होगा, जहां पर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होते हैं, समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपके पास होते हैं आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को भी हम फर्दर देखेंगे क्या कैसे होते हैं। और लास्ट में फिर हमारे पास होता है एक नाजारोव साइक्लाइजेशन से रिलेटेड। जब आप नाजारोव साइक्लाइजेशन पढ़ोगे तो यहाँ पर आप खास तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखोगे जिसको हम बोलते हैं डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बात करेंगे। ये तो पहली बात हो चुकी है हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। और इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को खत्म करने के बाद सबस्ट्रेट की एक खास बात और होती है, ऐसे सबस्ट्रेट जहां पर क्या हो, स्ट्रेंड हो। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंड रिंग सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से स्ट्रेंड रिंग सिस्टम है, दिखते कैसे हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में स्ट्रक्चर बनाकर देखना। तो आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या क्लासिफाई किया था, पॉलीइंस के बारे में क्लासिफाई किया था। पॉलीइंस क्या होते हैं मैंने अभी भी समझाया आपको, जहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगी। और पॉलीइंस में भी हमारे पास कितने पार्ट होंगे, फर्दर तीन पार्ट होंगे। एक तो होगा साइक्लिक पॉलीइन या ए साइक्लिक पॉलीइन, एक होगा आपके पास साइक्लिक पॉलीइन, और एक लास्ट में आपके पास होगा एक्सोसाइक्लिक। इसकी हम बात करेंगे अभी, ये हो गया। अगला जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके पास क्या था, आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और लास्ट मैंने आपको बताया था नाजारोव साइक्लाइजेशन वाला। अब हम तीनों ही के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो अगर हम सबसे पहले पॉलीइंस के एग्जांपल में ए साइक्लिक वाले देखते हैं तो ए साइक्लिक में हमारे पास कुछ इस तरीके का एग्जांपल है, ये हमारे पास ए साइक्लिक पॉलीइन होगा। ऐसे ही मैं और बात करता हूं, ये भी हमारे पास ए साइक्लिक पॉलीइन हो सकता है, ये भी हमारे पास क्या हुआ, ए साइक्लिक पॉलीइन होंगे। ऐसे ही और मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दूं कुछ इस तरीके से, ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास ए साइक्लिक पॉलीइंस के। ठीक है, ये हो गए ए साइक्लिक पॉलीइन। अगर मैं साइक्लिक पॉलीइंस की बात करता हूं तो साइक्लिक पॉलीइंस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल ले लो,
एक रिंग सिस्टम बन जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ये रिंग भले ही है, आप सोचोगे सर यहाँ पर कॉन्जुगेशन लगातार कहाँ है, देखो हमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं चाहिए, हमें कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इस बात को समझिए। ऐसे ही अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ तो ये भी आपके पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन पॉलीन आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ, ये भी आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही एक आप और बना सकते हो इसी तरीके का। चीजें बहुत सरल होती हैं, बस आपको सबसे पहले एक एक बार पहचानना है इन सभी ही में क्या है, कॉन्जुगेशन है और ये साइक्लिक हैं, इसीलिए ये साइक्लिक पॉलीन्स के पार्ट में आती हैं। अब एक पार्ट और होता है जिसमें हम एक्सोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक कुछ ऐसा होता है जहां पर डबल बॉन्ड के जस्ट बाहर की तरफ क्या होती है, मतलब रिंग के जस्ट बाहर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करता हूं, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एक्सोसाइक्लिक पॉलीन्स के हैं। तो सबसे पहले ये पॉलीन्स के बारे में सारी बात हो चुकी है। अब अगर मैं आयनिक सिस्टम के बारे में बात करूं, तो आयनिक का मतलब सिंपल सा पता है, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ रहा होगा, तभी जाके आप चीजें समझ पाओगे। तो आयनिक में हमारे पास सबसे पहले कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है आपको इस तरीके का, या फिर ऐसा भी आपके पास आयनिक हो सकता है, या फिर ये भी आपके पास आयनिक हो सकता है, या फिर ये भी आपके पास आयनिक हो सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही क्या? ये सब आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब अगर मैं साइक्लिक आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करता हूं तो वो भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता इस तरीके का? बोलिए ये हो जाएगा। आपको सबसे पहले अभी आराम से पेशेंस के साथ चीजों को समझना है, एक एक करके चीजें इकट्ठी करनी है। जब एक एक करके चीजें इकट्ठी कर लोगे उसके बाद हम लोग सब अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है? ये बात हो चुकी है। अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो और एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आते हैं कभी कभी, पीएच नेगेटिव। एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बोलिए अब एक लास्ट बचा है नेजरोफ साइक्लाइजेशन से रिलेटेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक खास रिएक्शन है और इस खास रिएक्शन में हम ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम यूज करेंगे। तो एक बार आप समझ लो, देखो नेजरोफ साइक्लाइजेशन में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है इस तरीके का। एक और अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरीके का होता है। जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यह एक अल्फा बीटा, मतलब देखो अल्फा बीटा कैसे, ये वाली पोजीशन जीरो, अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, यह है एक डबली, क्योंकि दो हैं डबल बॉन्ड, यह है एक डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बस बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बोलिए क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? तो ये हमारे हो चुके हैं सारे के सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम होता है जहां पर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को स्टडी करोगे, उसको बोलते हैं स्ट्रेंड रिंग सिस्टम। उससे पहले एक छोटी सी बात हम इकट्ठे जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सिस्टम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, उन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो आप दो सिस्टम पढ़ते हो, एक सिस्टम तो आपके पास होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसको अभी अभी हमने एकदम अच्छे से देख चुका है, और दूसरा सिस्टम होता है आपके पास स्ट्रेंड रिंग सिस्टम। स्ट्रेंड रिंग सिस्टम मतलब जहां पर स्ट्रेन मौजूद हो, ठीक है? अब इस स्ट्रेंड रिंग सिस्टम को समझाने के लिए किस तरह की रिएक्शन शो करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, मुझे एक बात समझानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। मतलब आप लोगों को मैंने कुछ इस तरह की रिएक्शन दिखाई थी, जरा याद करो थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पर हम क्या लेते थे, यहाँ पर हम हीट और लाइट इस तरीके से दिया करते थे, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता था, इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाता था। क्या हो जाता था? साइक्लाइजेशन। अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये क्या हो रहा है, रिंग क्लोज हो रही है।
अब होता यह है कभी कभी आपको इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसके अपोजिट रिएक्शन जस्ट होगी वो क्या होगी, बहुत कम होती है। मतलब अगर यहाँ पर ये आपके पास 90% होगी तो ये आपके पास सिर्फ 10% ही होती है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसी को आप बोलते हो रिंग क्लोजिंग। क्या बोलते हो? रिंग क्लोजिंग। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिंग रिएक्शन। और ये जो आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रही है, यहां से यहां रिंग ओपन हो रही है, तो इसी को बोलते हैं रिंग ओपनिंग। तो जो आपके पास स्ट्रेंड सिस्टम होते हैं उसमें रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है। क्या पॉइंट क्लियर हुए? ये बात आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब आप कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोगे उससे आप इस तरीके से बनाओगे तो वो तो जाएगा रिंग क्लोजिंग, और जो कि आप रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस को मोस्टली पढ़ने वाले हो। लेकिन दुनिया में रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी होती हैं, कि मतलब रिंग क्या होगी, अपने आप को ओपन कर रही होगी, तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स जो मेन होता है वो स्ट्रेंड रिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी अच्छे से कि स्ट्रेंड रिंग सिस्टम रिंग ओपनिंग रिएक्शन दिखाती है, जो कि एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का ही टाइप है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो ही होते हैं, या तो सिस्टम में रिंग ओपनिंग होगा या तो सिस्टम में रिंग क्लोजिंग होगा। बोलिए, बात क्लियर एकदम अच्छे से? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्ट्रेंड रिंग सिस्टम के बारे में कि आखिरकार ये स्ट्रेंड रिंग सिस्टम क्या भला है। तो बस मैं आपके सामने सिस्टम लिखूंगा और उन सिस्टम को लिखकर अपनी कॉपी पर छाप लेना है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे सिस्टम आने वाले हैं। जैसे मान लो सबसे पहला सिस्टम तो आपके पास ही आ जाएगा, पहले थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, है ना। सबसे पहला सिस्टम तो आपके पास ही आने वाला है कुछ इस तरीके का, और इस सिस्टम के सामने फिर वही हीट और लाइट वगैरह की प्रेजेंस होगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलाइलिक कार्बोकैटाइन, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको फील आ भी रहा होगा पुरानी केमिस्ट्री को देखकर कि ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकती है क्या नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा हीट और लाइट वगैरह यहाँ पर गिवन होगा, और लास्ट में फिर अगर हम ऐसे सिस्टम को देखेंगे तो ये किस तरीके की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दिखाएगा, ये हम आगे चलकर देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। तो बस यही होते हैं आपके पास स्ट्रेंड रिंग सिस्टम, जो कि मुझे आपको जानकारी देनी थी। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस दो तरह की होती है, एक रिंग क्लोजिंग होती है, एक रिंग ओपनिंग होती है। जो रिंग क्लोजिंग होती है वो ज़्यादा फेमस होती है, 90% चांसेस होते हैं, और 10% होते हैं रिंग ओपनिंग के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमें लगानी होगी ट्रिक, एक ट्रिक बनानी होती है, क्योंकि हमें पता है पूरी की पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है, हॉफमैन एंड वुडवर्ड रूल है, और अगर रूल है तो रूल की कुछ ना कुछ ट्रिक वगैरह जरूर हुआ करती हैं। तो उसी ट्रिक बनाने के सफर को निकलने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी मैंने आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानना सिखाए हैं, उन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को आपको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना है। बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को आपको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना है, एक तो 4n सिस्टम में करना है और एक 4n+2 सिस्टम में करना है। फिर समझिए, हम लोग आगे चल के जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे तो हमें वहां पर ट्रिक यूज करनी होगी, और उस ट्रिक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक 4n सिस्टम, एक 4n+2 सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पहले कभी सुना है 4n और 4n+2? अगर 4n+2 बोला तो दिमाग में आ चुका है एरोमेटिसिटी, याद करो, जहां पर हम अपने कंपाउंड को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इसी के बेसिस पर बताते थे। तो 4n और 4n+2 बिल्कुल जो आप उस समय मतलब समझते थे वही मतलब यहां है, लेकिन आपको यहां पर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बताना है। फिर सुन लो, जो मतलब वहां पे था 4n और 4n+2 का वही मतलब यहां पर है, लेकिन आपको इस बार कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बताना है। आपको सिर्फ सिस्टम को क्लासिफाई करना है दो पार्ट्स में, और उस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम आगे चल के ट्रिक बना सके। तो आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा, फिर बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो आपको करके दिखाने हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मैंने फिर पहले ही बता दिया है कि हम लोग ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। हम लोग ये क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चल के हम जो ट्रिक बना सके उसमें हमें आसानी हो सके। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख भी दूंगा कि हम ये क्लासिफाई आखिरकार क्यों कर रहे हैं।
ट्रिक बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लिख देता हूँ पुराने तो कन्फ्यूज जाओगे, ये ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक बनाने के लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब हम करते हैं उस समय पर हमारे पास दो पार्ट्स में ही कर सकते हैं, या तो 4n+2 सिस्टम में कर सकते हैं या फिर हम लोग 4n सिस्टम में कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ चुकी है? या तो हम 4n+2 सिस्टम में कर सकते हैं या फिर हम 4n सिस्टम में कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इत्मीनान से दो एग्जांपल सिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही दो एग्जांपल सीख जाओगे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बता दोगे 4n+2 क्या होता है, 4n क्या होता है। मान लो हम लोगों ने जो सबसे पहला मॉलिक्यूल लिया था वो कुछ इस तरीके से लिया था, याद करो यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम था हमारे पास। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये 4n+2 है या 4n है इसको समझते हैं। देखो आप यहां पर समझो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप इसको 4n+2 के पहले बराबर रखो, ऐसे ही आप इसको 4n के बराबर रखो। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं। जब आप 4n+2 के बराबर रखोगे तो यहां पर n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आने वाली, जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास ये 4n+2 सिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर अगर आप इस सिस्टम की बात करोगे तो यहां पर आपके पास n की वैल्यू क्या आने वाली है, n की वैल्यू 1 आने वाली है, और जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है। इसका मतलब हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है ये हमारे पास कैसा सिस्टम है, 4n सिस्टम है। क्या बात क्लियर हो रही है? आपको सबसे पहले जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको दोनों ही सिस्टम के सामने रखना है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं ना, ऐसे ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, उनके सामने जब रखोगे अगर n की वैल्यू इंटीग्रल आ रही है तो वही वो सिस्टम होगा। अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, फिर मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा देखने का। देखो ऐसा हो गया, अब मुझे बताओ ये सिस्टम क्या है। फिर से आप क्या करो, 4n+2 के सामने क्या रखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही 4n के सामने क्या रखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहां से आपके पास n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, बोलिए। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आपको ये समझ में आ रहा है यहां पर n की वैल्यू बना जाएगी। कैसे, 6 - 2 करोगे तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1। बस सिंपल सा फंडा क्लियर है। यदि आप सिस्टम के सामने पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे और यदि वो इंटीग्रल वैल्यू दे दे तो वही सिस्टम में लाई करेगा। अब एंड में आपको बात इतनी समझनी है, यदि आपके पास 2, 6, 10, 14, 18 इस तरीके का सिस्टम चले, जब इस तरीके का आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या है ये, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास वह जो सिस्टम कहलाएगा वह सिस्टम 4n+2 सिस्टम कहलाएगा। बस इस बात को याद कर लो, अगर इसके इलेक्ट्रॉन ये ना आ रहे हों, 4, 8, 12 आ रहे हों, तो वो 4n सिस्टम कहलाएगा। इस बात को अगर आप याद कर लोगे तो ये सब करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इस बात को समझो, मैं समझाना ये चाहता हूँ। ये आपके पास सिस्टम है, अब मुझे बताइए, तो आपको यहां पर 4n और 4n+2 के सामने एक बार पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं, आपको सीधे इसके पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जरा ध्यान से गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 8 क्या इसमें लाई कर रहा है, 8 इसमें लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, 4n सिस्टम हो जाएगा, बात खत्म। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जो 4 की टेबल से डिविजिबल ना हो वो 4n+2 है, और जो 4 की टेबल से डिविजिबल हो, क्योंकि 8 क्या है, 4 की टेबल से डिविजिबल है, वो 4n सिस्टम है। ये सब मैंने आपको पहले एरोमेटिसिटी के टाइम बताया था, याद करो। अगर यही नहीं बताया होता तो आप एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये सब कैसे बता पाते, आ रही बात समझ में? तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में हमारे पास मान लो कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। ये एग्जांपल है, बताइए कौन सा सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन दोनों सीधे पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, और 6 इसमें लाई कर रहा है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, 4n+2। इसमें देखो 2, 2, 4 दे, ये भी कितना हो जाएगा, 4n+2। बस बात खत्म हो गई। इस तरीके से आप स्पीड में कर सकते हो, इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मान लो अब मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, ये प्लस हो गया, यहां पर ये माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया,
यहाँ पर माइनस हो गया। ये कुछ सिस्टम है, या फिर एक सिस्टम और ले लेते हैं, ये वाला। बताओ अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, और दो का मतलब इसमें लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 4n+2। इसमें कितने सिस्टम है, दो और दो चार, नेगेटिव का मतलब भी दो होते हैं तो चार का मतलब 4n सिस्टम हो जाएगा। ये वाला बताओ, दो दो चार तो 4n सिस्टम हो जाएगा, दो तो चार दो छः, छः इसमें लाई कर रहा है तो ये 4n+2 हो जाएगा। स्पीड मारे एकदम, इसमें देखो नेगेटिव दो चार दो छः, छः का मतलब फिर से ही क्या हो जाएगा, 4n+2 हो जाएगा। सबसे पहले आपको इतनी बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कौन सा सिस्टम 4n है और कौन सा सिस्टम 4n+2 है। क्या आपको बात क्लियर हुई, एकदम अच्छे से क्लियर हुई? अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अभी हम कोई भी मैकेनिज्म वाले पार्ट पे नहीं गए, अभी हमने कोई रिएक्शन बनाना नहीं सीखा, अभी सिर्फ फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक और है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग अभी पहले ही सीख लेते हैं कि आखिरकार प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा। जब आप रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग करवा रहे होंगे सिस्टम में, तो प्रोडक्ट की तस्वीर क्या होगी उसको देख लेते हैं। हमने अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, हालांकि अपने आप में ये बहुत गलत बात है कि बिना मैकेनिज्म के हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो कि आपके इससे क्या फाउंडेशन क्लियर होकर आगे चल के बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो एक बार हम एक टॉपिक और समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए अब हम बात करते हैं अपना इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। आखिरकार हम प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को समझते हैं। देखो मैं आपसे कहना कह जाता हूं, इस बात को समझो, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना हो चुका है। जिस दिन हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उस समय ही मैंने आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया था। फिर भी हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरीके का है, जहां पर आप क्या ले रहे हो, हीट और लाइट ले रहे हो, ठीक है। तो क्या करते थे आप, सबसे पहले ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास फाइनली यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता था। हालांकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसी की वजह से यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बहुत कम होती है, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होती है। ये बात नहीं समझनी, हमें प्रोडक्ट बनाना अभी सीखना है कि आखिरकार प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये सब हम आगे चल के बहुत डिटेल में बातें करेंगे। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करता हूँ, तो दूसरा रिएक्शन ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो आपके आंखों के सामने आ चुका है। अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा तो आप यहाँ पर बना के दिखा दोगे कि सर यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। कैसे किया आपने, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यही तो बनेगा साइक्लाइजेशन से। तो ये जो आप बना रहे हो, ये तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही मुझे आपको सिखाना है। ऐसे ही अगर मैं आपसे इस एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पर हीट और लाइट है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की और बात करता हूं, तो ये बहुत सरल है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल वाला पार्ट है ही नहीं जो आपको मैं समझाऊं। आप बस डबल बॉन्ड के मूवमेंट को ध्यान दो और आपके पास आंसर सामने आ जाएगा, यहां पर हीट और लाइट। अब हीटिंग की कंडीशन और लाइट की कंडीशन में भी प्रोडक्ट अलग अलग बनता है, वो हम बातें सब सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना सीखना है। अब मान लो और रिएक्शंस की बात करते हैं, मान लो कुछ ऐसा आ जाए, यहां पर हीट और लाइट आ जाए, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, यहां पर इस डबल बॉन्ड का मोमेंट यहां, इसका यहां और इसका यहां, तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, बस ऐसे बनते जाएंगे सारे के सारे। मान लो सिक्स रिएक्शन की और बात करते हैं, कुछ ग्रुप वगैरह अगर इंट्रोड्यूस कर दें, तो इस वाले केस में कुछ चेंज नहीं है, वही सेम बातें हो रही है सारी की सारी। यहाँ ऐसे हो जाएगा,
यह समझ जाएगा। और कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, मान लो इस बार मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, तो इस वाले एग्जांपल में खास बात क्या है, ये यहां पर हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा, तो ये दो तरीके से ब्रेक हो जाएगी, एक तो आपके पास ये सिक्स मेंबर्ड रिंग में आ जाएगी और एक आपके पास ही हो जाएगा। देखो ध्यान से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ है, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनी है, देखो बन चुकी है, फिर 1 और 2 से बॉन्ड टूटी है और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनी है, उसके बाद 4 और 5 के बीच में बॉन्ड बनी है। देख लो आप ध्यान से, इस तरीके से बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये सब टिपिकल पार्ट कुछ नहीं है, हम आगे चल के बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। ऐसे ही मान लो एक एग्जाम्पल और आ जाए, इस तरीके का, यहाँ पर भी हीट और लाइट की कंडीशन थी, यहाँ पर भी हीट और लाइट की कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर क्या करने वाले हो, सेम बात, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बस बात खत्म। तो कहने का मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो इस तरीके से ही हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। यह था हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का पहला लेक्चर, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि आखिरकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती ही क्या है, उसके बाद हमने सबसे पहले सीखा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कैसे पहचानते हैं, जहां पर हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्लासिफाई किया पॉलीन्स में, आयनिक में और एक नेजर ऑफ साइक्लाइजेशन में। उसके बाद हमने स्ट्रेंड रिंग सिस्टम के बारे में जाना। ये सब बातें जानने के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रिक बनानी है आगे चल के, तो उस ट्रिक बनाने में ये पूरा हेल्प करने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम 4n है और कौन सा सिस्टम 4n+2 है। और जिसको मैंने आसानी से आपको बता दिया, यदि 4 की टेबल से डिविजिबल हो तो 4n है, और यदि 4 की टेबल से डिविजिबल ना हो तो 4n+2 है। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है, वहां से हमारी मेन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, और वो सबसे मेन लेक्चर है जहां पर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, या फिर आप यूं कह लो FMO अप्रोच, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आपको जब हायर तक लेके जा रहा हूं, जैसे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टार्ट किया पढ़ाई, वैसे ही यहां करने वाले हैं। सब्जेक्ट को हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो, कभी भी ऐसा मत समझा करो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वर्डन है बहुत ज्यादा भारी है, ऐसी चीजें फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो छोटी छोटी चीजों में आप मजा आने लग जाएगा, तो यही होता है सब्जेक्ट। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।